हेलो एवरीवन, कैसे हो। अभी मैं आपको टोटल पांच ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा जिससे आप पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज या आयनिक साइज से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को 25 सेकंड के अंदर में कर लोगे। तो ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर वन, डेट इज ट्रेंड। ट्रेंड कहने का मतलब कि जनरली ये ट्रेंड फॉलो होगा, देयर मे बी सम एक्सेप्शन। और ट्रेंड क्या है एटॉमिक साइज या आयनिक साइज का, कि लेफ्ट टू राइट में वो डिक्रीज होगा, राइट, और टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होंगे, राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो देखो ध्यान से, साइज डिक्रीज होता जाएगा, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि शेल इंक्रीज होता जाता है, राइट। तो शेल इंक्रीज होंगे तो डेट मीन साइज इंक्रीज होगा। ये जनरल ट्रेंड आपको ध्यान में रखना है। और हर एक पीरियड में नोबल गैस सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा उसका, इस पॉइंट का भी ध्यान में रखना है, राइट। पॉइंट नंबर टू उसी पॉइंट को समझाया है, क्योंकि नोबल गैस में हम लोग वैन डेर वाल रेडियस की बात करते हैं जिसमें दो एटम के बीच कोई टच नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल रेडियस है उससे भी ज़्यादा होगी वैन डेर वाल रेडियस। मेटल में दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, इसलिए जो एक्चुअल रेडियस होगी और जो इससे निकालोगे वो दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगी, तो मेटालिक रेडियस। नॉन मेटल में चूंकि ओवरलैपिंग होती है तो कोवलेंट रेडियस की बात करते हैं, और इसमें जो एक्चुअल रेडियस होगा वो एक्चुअली कम होगा जो आपका ये वाला रेडियस है। तो इसलिए ऑर्डर का भी पूछा जा सकता है, तो वैन डेर वाल सबसे बिग, फिर मेटालिक, फिर कोवलेंट। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर थ्री, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आपको कभी भी एटॉमिक साइज या आयनिक साइज कंपेयर करना हो तो पहले ये देखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है वो, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम चांस होता है कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे काउंट करेंगे, अगर सब में सेम इलेक्ट्रॉन होगा तो, राइट। तो अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकल गया तो जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना साइज बड़ा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना साइज छोटा। क्यों? नेगेटिव होगा तो रिपल्सन होगा, साइज बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, साइज कम होगा। इस पॉइंट का ध्यान रखना, इसीलिए सबसे आगे नेगेटिव वाले आएंगे, फिर न्यूट्रल वाले जिस पर कोई चार्ज ना हो, फिर प्लस वाले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान से देखो, नाइट्रोजन पर -3 तो वो सबसे बड़ा होगा, फिर O-2, फिर F-, फिर Ne, फिर Na+, फिर Mg+2, फिर Al+3। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो सब में कितने 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकल गया तो आपको कुछ नहीं सोचना है, नेगेटिव वाला सबसे आगे, पॉजिटिव वाले सबसे पीछे, राइट। इस पॉइंट का ध्यान रखना। और अगर सेम एलिमेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो, डिफरेंट एलिमेंट है, अगर एलिमेंट सेम है तो अगेन वही सेम पॉइंट, नेगेटिव वाले का सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल वाला, फिर पॉजिटिव वाला। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। एंड पॉइंट नंबर फाइव, कि S से ज़्यादा P, P से ज़्यादा D, D से ज़्यादा F की साइज होती है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है, और साइज अगर बढ़ेगा तो उसका शील्डिंग या स्क्रीनिंग पुअर हो जाता है, तो इसलिए शील्डिंग या स्क्रीनिंग कैपेसिटी जो होगी वो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। तो ये टोटल पाँच पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक्सेप्शन सब है जो ध्यान रखना है, बस यही है, राइट। पॉइंट नंबर वन, कि बोरॉन से बड़ा साइज गैलियम और गैलियम से बड़ा साइज एल्युमिनियम, यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया। जबकि विनो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होता है, तो बोरॉन के बाद एल्युमिनियम आना चाहिए, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है 13 ग्रुप में, बाकी चीज एज यूजुअल है। तो ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा, 3D से बड़ा साइज 4D का और 4D से बड़ा 5D का होना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्स दोनों का साइज सेम हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस पॉइंट का भी ध्यान में रखना, और ये ग्रुप नंबर 4 से लेकर के 12 तक में लगाना है। फॉर एग्जांपल, कॉपर से बड़ा साइज सिल्वर का और सिल्वर गोल्ड का ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। तो इसको डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखना है। एंड पॉइंट नंबर 3, पूरे पीरियोडिक टेबल में यही 3 एलिमेंट है जो डायगनल रिलेशनशिप शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायगनली आते हैं। तो लिथियम के डायगनली कौन है? मैग्नीशियम। बेरिलियम के डायगनली एल्युमिनियम, और बोरॉन के डायगोनली सिलिकॉन। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। नाउ एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर वन में इनका आपको आयनिक साइज का ऑर्डर बताना है। तो अगेन ध्यान से देखो, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमने क्या बोला, सबसे बड़ा कौन होगा, जिसपे सबसे ज़्यादा निगेटिव। तो यहाँ पे -2 है, तो S-2, फिर Cl-1 वाले, फिर कम प्लस वाले K+, फिर Ca+2, ये हो जाएगा आयनिक साइज का ऑर्डर, ऐसे ध्यान में रखना है। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, अगेन सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबसे पहले चेक करना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सबसे ज़्यादा माइनस वाला N-3, फिर -2 वाले, फिर -1 वाले, फिर Na+, फिर Mg+2। ये क्वेश्चन, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए आप देख सकते हो PYQ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में इस टाइप से भी दे सकता है कि एफ माइनस का साइज अगर इतना है एंगस्ट्रॉम में, ओ माइनस टू का इतना है, तो डेफिनेटली एफ माइनस से ओ माइनस टू ज़्यादा होना चाहिए, जो दे भी रखा है। नाइट्रोजन का कम होगा तो एन माइनस थ्री का क्या होगा, ऑप्शन आपको चार गिवन होंगे, तो डेफिनेटली एन माइनस थ्री इन तीनों से बड़ा होगा, राइट। तो इन तीनों से बड़ा जो वैल्यू होगा वो आप पुट कर सकते हो। यहाँ पे साइज की बात करें तो एन माइनस थ्री, फिर ओ माइनस टू, फिर एफ माइनस, फिर नाइट्रोजन होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली फोर में इस टाइप का क्वेश्चन कि एन ए प्लस का अगर साइज 1.02 एंगस्ट्रॉम है तो एम जी प्लस टू और ए एल प्लस थ्री का क्या होगा, तो यू नो एन ए प्लस से छोटा होगा एम जी और उससे भी छोटा होगा ए एल प्लस थ्री, तो इससे कम होना चाहिए 1.02 से, तो ये ऑप्शन गया 1.05 हो गया, और ये 0.72 उससे कम 0.54, तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया है तो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो गया तो नहीं हो सकता। तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में अगेन इनके एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताना है, तो पहले आप इसको लिख लिया करो, यू नो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, राइट, और इसी लाइन में ऑक्सीजन कार्बन है, लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, अपने आप आपको क्विकली आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सिक्स में इस टाइप से दे देते हो, तो ध्यान से देखो तो ये एफ ब्लॉक वाले हैं, राइट। तो एफ ब्लॉक वाले में यूरोपियम, ईयू, यूरोप वर्ड से, यूरोप इज ए बिग कंट्री, तो ये एटॉमिक साइज में सबसे बिग होते हैं अपने एफ ब्लॉक में, तो इसलिए ईयू सबसे ज़्यादा, फिर सी, फिर एच ओ, और नाइट्रोजन तो सबसे कम होगा क्योंकि ये एफ वाले हैं, ये नाइट्रोजन तो आपका सेकेंड पीरियड का है, राइट, और ये सब डाउन द ग्रुप में बहुत नीचे आते हैं। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो यू नो सीजियम, राइट, ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया और डाउन द ग्रुप है सबसे बिग साइज होगा, तो सीजियम सबसे बड़ा होगा, फिर मेटल में एल्युमिनियम आएगा, फिर सल्फर, फिर लास्ट में कार्बन, तो इस टाइप से भी दे सकता है, जस्ट आपको लॉजिकल थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर एट में ओ माइनस टू का अगर 2.2 एंगस्ट्रॉम है, एनी का 1.8 है, तो ये बराबर है, क्यों? क्योंकि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, बट इनका साइज एनी से भी छोटा होगा, 1.8 से छोटा कौन है, 1.7, ये तो हो नहीं सकता ये सब, क्यों? क्योंकि उससे बड़ा है। तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी टाइप थे उसको हमने डिस्कस कर दिया, आप सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन को कर सकते हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आई होप मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। थैंक यू।